moment right now is just so beautiful. I don't know if you guys can see this, but you can see the whole skyline of the city. And we just sang a blessing over this entire city, did we not? We bless this city, Mumbai. Come on, for generations to come. Woo-hoo! For their children and their children. And we're going to be the change in this city, are we not? Come on, let me hear you say it. Are we going to be the change in this city? Are we going to bring heaven down? Are we going to show love to our neighbors out there on the street as we take the train, as we catch those rickshaws, as we make it through the traffic in Mumbai every day? Are we going to share the love of Jesus Christ with every single person in the city of Mumbai? All right. Well. And now it's time for a very, very, very special guest. Yes. He's someone who speaks all over the world, and wherever he goes, he brings such joy, faith, such hope with his messages. Honestly, he's one of my favorite speakers. I'm always inspired and blessed by him. And he's also the head of the state of Karnataka of New India Church of God Churches. He oversees over 100 churches. Any guesses who I'm talking about? I don't know the answer. Pastor Mulla. Come on, let's hear it for Pastor Nuruddin Mulla. One of our favorites and a man who speaks all from the heart for the love of God. Here to share the Christmas message with us. Let's have a bigger round of applause, ladies and gentlemen, for Pastor Nuruddin Mulla. नजदीक से सुनने वाले तमाम भाई बहनों को मसीह यीशु के नाम से इस विशेष दिन पर हमारा सलाम और नमस्कार। अलग अलग जगह से ठहर कर अलग अलग जगह से यहाँ पहुंचे हुए तमाम भाई बहनों को हमारा सलाम और नमस्कार देते हैं। दिसंबर का महीना है। इस महीने में दुनिया भर में मसीह हो या गैर मसीह, तमाम यीशु मसीह की पैदाइश को याद करते हैं और उनकी जिंदगी और उनके कार्य और हमारे जिंदगी में लाए हुए बदलावन के बारे में दुनिया भर के लोग, मसीह हो या गैर मसीह, यीशु मसीह के जन्मदिन पर याद करते हैं। आप तमाम यहाँ इकट्ठे हुए हैं, आपका मैं शुरुआत में तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। यीशु मसीह की पैदाइश के बारे में बाइबल बहुत सारी चीजें बताती है, लेकिन दो किताबें बाइबल में ऐसे हैं जो यीशु मसीह की पैदाइश बड़ी बेहतरीन तरीके से पेश करती हैं, बताती हैं। वो है मत्ती सुसमाचार और लूक सुसमाचार। आज मैं लूक सुसमाचार से यीशु मसीह की पैदाइश के बारे में लूक अपने प्यारों को बताए हुए बातें आज आपके सामने प्रार्थना पूर्वक रखना चाहता हूँ। लूक समाचार दूसरा अध्याय पहले वचन से लेकर 20वें वचन तक आपकी पैदाइश के बारे में बताया गया है। इसलिए सुनने वाले तमाम भाई बहनों से मैं इल्तिजा करता हूँ कि आज यीशु मसीह की पैदाइश जो 2000 साल पहले बेथलेहम में हुई थी, हमारे एक एक दिलों में हो जाए। अगर जिन दिलों में यीशु मसीह पैदा हुए हैं, उन व्यक्तियों के जीवन में यीशु मसीह पढ़ना शुरू हो जाए। आइए हम इस अध्याय की तरफ चले जाएंगे और चंद बातें इस हाथ से आपके दिलों में डालने की कोशिश करूंगा। इन 20 आयतों या वचनों में
यीशु मसीह की पैदाइश के बारे में जब लूक जिक्र कर रहे हैं तो पहली बात पहले तीन वचनों में बता रहे हैं कि यीशु मसीह की पैदाइश एक ऐतिहासिक घटना है। द बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट इज अ हिस्टोरिकल फैक्ट, इट्स नॉट अ स्टोरी मेड अप और स्पोकन टू द पीपल एंड हैज बीन सर्कुलेटेड। इट इज ए हिस्टोरिकल इवेंट happened in the history. इसलिए शुरुआत में इन तीन वचनों को अगर आप पढ़ेंगे तो राजा के बारे में, वहां जगह के बारे में और घटनाओं के बारे में बात करते हुए लूक हम तमाम को ये बताने की कोशिश कर रहे हैं, जीसस क्राइस्ट इज नॉट ए मिथिकल पर्सनालिटी बट ही इज ए हिस्टोरिकल पर्सन, ऐतिहासिक व्यक्ति है। 2000 साल पहले हम तमाम को बचाने के लिए बैतलहम में पैदा हुए, इसीलिए ये यीशु मसीह की बारे में पत्रस बताते हैं। पत्रस की दूसरी किताब उसका पहला अध्याय 16वें वचन में मेरी उर्दू बाइबल में ऐसे बताया गया है, क्योंकि जब हमने तुम्हें अपने खुदाबंद यीशु मसीह की कुदरत और आमद से वाकिफ किया था तो दगाबाजी की घड़ी हुई कहानी की पैरवी नहीं की थी बल्कि खुद उसकी अजमत को देखा था। कहने का मतलब ये है कि ये कहानी नहीं है, घटी हुई घटना है। यीशु मसीह इज ए हिस्टोरिकल पर्सनालिटी लिव्ड इन द पेजेस ऑफ द हिस्ट्री। इसीलिए आज हम इतवार हर जगह चंद मुल्कों को छोड़कर इतवार के दिन छुट्टी का दिन मनाते हैं। ये शुरुआत से आया हुआ दिन है, क्योंकि यीशु मसीह इस दुनिया में आए 33.5 साल रहे और आखिरकार हमारे गुनाहों के लिए जुमा या शुक्रवार के दिन सलीब पर मारे गए। जुमा का दिन गुजर गया, शुक्रवार शनिचर का दिन गुजर गया, इतवार के दिन यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठे। आज भी यीशु मसीह जिंदे, बहुत सारे लोग इस दुनिया में आए, कुछ कार्य किए, कुछ बताए, चंद दिन के लिए रहे और हमेशा के लिए चले गए, लेकिन यीशु मसीह इस दुनिया में आए, रहे, सिखाए और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठे और आज भी वो जिंदे। और यीशु मसीह के बारे में पहली बार 1980 में सुनने का मुझे मौका मिला और उसके बाद मुझे पता चला, कुरान शरीफ की पढ़ाई वगैरह करने के बाद मुझे पता चला ईसा अलैहिस्सलाम आज भी हमारे लिए जिंदा है। ये बात मेरे जहन में आने के बाद यीशु मसीह के बारे में पढ़ना और सीखना शुरू कर दिया और होते 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 एक दिन यीशु मसीह के कदमों में पवित्र आत्मा मुझे ले आया। मैं बीमार था, दुनिया से मायूस हुआ था, 3 बार खुदकशी करके इस दुनिया से निकलने की कोशिश करने वाला इंसान था, लेकिन यीशु मसीह मेरी जिंदगी में आ गए और मेरी जिंदगी को उन्होंने बदल दी। बताना चाहता हूँ अगर आप जिंदगी में मायूस, नाराज, अशांत हैं, असमाधान से जिंदगी गुजार रहे हैं तो मैं आज आपको दिल से आपको दावत देना चाहता हूँ, आइए यीशु मसीह के पास, यीशु मसीह आपकी जिंदगी को बदल देगा। सो नंबर 1, द बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट इज अ हिस्टोरिकल फैक्ट। नंबर 2, द बर्थ ऑफ जीसस इज अ प्रोफेटिकल फुलफिलमेंट। यीशु मसीह का जन्म एक भविष्यवाणी की पूर्ति है, एक नबूवत की तकमील। यीशु मसीह पैदा होने से पहले 600 साल या 800 साल पहले ऐसे अरबी यरूशलेम के गली में बताया करते थे, प्रचार करते थे कि यीशु मसीह कहाँ पैदा होंगे, कैसे पैदा होंगे और पैदा होने के बाद क्या करेंगे। ये तमाम चीजें यीशु मसीह पैदा होने के 600 या 800 साल पहले वो बताया गया है। उसी तरह बाकायदा यीशु मसीह बैतलहम में 2000 साल पहले पैदा हो गए। इसलिए मैं बताना चाहता हूँ द बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट इज प्रोफेटिकल फुलफिलमेंट, एक नबूवत की तकमील। और तीसरी बात मैं बताना चाहता हूँ पॉल ये लूक बताने की कोशिश कर रहे हैं, द बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट इज ए ग्लोबल गुड न्यूज। यीशु मसीह का जन्म जो है एक पूरी दुनिया के लिए खुशखबरी का दिन है। इसीलिए आत्मे वचन से
लूक सुसमाचार दूसरे अध्याय में हम ऐसे पढ़ते हैं, उसी इलाके में चौराहा थे जो रात को मैदान में रहकर अपने गल्ले की निगरानी कर रहे थे, और खुदा उनका फरिश्ता उनके पास खड़ा हुआ, और खुदा उनका जल्लाद उनके चौगिर्द चमका, और नहायत को डर गए। मगर फरिश्ते ने उनसे कहा, डरो मत, क्योंकि देखो मैं तुम्हें बड़ी खुशखबरी की बशारत देता हूँ जो सारी उम्मत के लिए होगा, दुनिया में रहने वाले तमाम लोगों के लिए होगा। यीशु मसीह किसी काम के लिए, किसी मजहब के लिए, किसी जात के लिए, किसी इलाके के लिए आए नहीं है। यीशु मसीह का इस दुनिया में आना दुनिया में रहने वाले तमाम लोगों के लिए आए हैं। इसीलिए यीशु मसीह कह रहे हैं, बोझ से दबे हुए लोगों, तुम तमाम मेरे पास आओ, मैं तुम्हें आराम दूंगा। ऑल यू लेबर एंड आर हेवी बर्डन कम टू मी। वहां यहूदी थे, गैर यहूदी थे, रोमी थे, ग्रीक जुबान बोलने वाले लोग थे। इन तमाम को देखकर यीशु मसीह पुकार पुकार कर कह रहे हैं, तुम तमाम मेरे पास आओ, मैं तुम्हें आराम दूंगा। जब मैं शांत था, समाधान था, ये वचन मेरे दिल को छू, जैसे मैंने शुरुआत में बताई, तीन दफा खुदकशी करके इस दुनिया से जाने की कोशिश करने वाला एक इंसान था मैं। काश मेरे जिंदगी में यीशु मसीह आए नहीं हुए होते तो नाम नूरुद्दीन मुल्ला मेरे माँ बाप के लिए एक याददाश्त बन जाता था। आज मैं जिंदा इसलिए हूँ कि यीशु मसीह मेरी जिंदगी में आ गए, यीशु मसीह मेरी जिंदगी को बदल। बेंगलुरु में मैं नौकरी कर रहा था, तीन बार मैं खुदकशी करने के लिए कोशिश की, लेकिन यीशु मसीह मेरे जिंदगी में वो होने के लिए इजाजत नहीं दी। इसलिए मैं पूरे दावे के साथ कहना चाहता हूँ, यीशु मसीह शांति और समाधान देने वाले। मुझे आज भी याद है, मेरे कमरे में मैं मेरे सर के बाल पकड़ के खिड़की और दरवाजे बंद करके मेरे दीवार को टकरा के शांति 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 के लिए पुकारने वाला एक इंसान था। जब मैं यीशु मसीह को एक रात प्रार्थना के दौरान कबूल कर लिया, दिल में शांति, समाधान, अमन और इत्मीनान नदी के जैसे मेरी जिंदगी में बहना शुरू हो गया। मैं बहुत बड़ा बीमार भी था, परमेश्वर की दया से, यीशु मसीह के तुफैल से यीशु परमेश्वर ने मुझे चंगाई दी। कहने का मतलब ये है कि यीशु मसीह हम तमाम को चंगाई देने वाला, छुटकारा देने वाला है। एक और बात मैं इस सिलसिले में आपको बताना चाहता हूँ, जब यीशु मसीह बताए, बोझ उठाने वालों, दुख से भरे हुए लोगों, तुम तमाम मेरे पास आओ, मैं तुम्हें आराम दूंगा, सिर्फ आने के लिए नहीं, उसके बाद वो बता रहे हैं, मेरा छुआ आपके ऊपर ले लो, यू टेक माय योक अपॉन यू। इसका मतलब ये हुआ कि कमिटमेंट, जब यीशु मसीह को हमारी जिंदगी को कमिट कर देते हैं, समर्पित कर देते हैं, तो हमारी जिंदगी में तब्दीली आ जाती है। बहुत सारे लोगों को मैं देखा, मसीह के पास आते तो है, मसीह से प्यार और मोहब्बत करते तो है, मसीह से लगन और लगाव होता तो है, लेकिन जिंदगी में जो कमिटमेंट उन्हें करना चाहिए वो कर नहीं पाते। इसलिए जो मिलना चाहिए, जो शांति, समाधान, अमन और इत्मीनान जिसके लिए उनकी अंदर की आत्मा और अंदर की रूह तड़प रही है, वो मिल नहीं पाता। इसलिए यीशु मसीह मत्ती सुसमाचार 11वें अध्याय में और 28वें वचन में बता रहे हैं, तुम तमाम मेरे पास आओ, आने से काम नहीं चलेगा, साथ साथ मेरा छुआ अपने कंधों पर ले लो। उसका मतलब ये है, एक समर्पण कर दो, एक कमिटमेंट कर दो। मेरी आवाज को सुनने वाले दूर और नजदीक से सुनने वाले तमाम भाई बहनों से आज मैं कहना चाहता हूँ, अगर आज तक अपनी जिंदगी यीशु मसीह के कदमों में नहीं समर्पित किए हैं, समर्पित करके देखो कि कैसे हमारी जिंदगी को यीशु मसीह बदल देगा। हमारी गलतियों को देखकर बदला लेने वाला नहीं है यीशु मसीह, हमारे गलतियों को देखकर बदला लेने वाला नहीं है, हमारी बुरी हालत को देखकर बदलने वाला है यीशु मसीह। इसलिए बदला लेने के लिए नहीं आया। जो लोग समझते हैं कि परमेश्वर एक मास्टर के जैसे बैठा हुआ है, गंदा करें और गुनाह करें तो मारेगा, हाथ काटेगा, सर काटेगा, नहीं। यीशु मसीह इस दुनिया में हमारे गुनाहों को देखकर
बदला लेने के लिए नहीं, हमारी जिंदगी को बदलने के लिए आया, हमारे परिवार को बदलने के लिए आया है, हमारे फ्यूचर को बदलने के लिए आया है, हमारे ख्यालात को बदलने के लिए आया है। अगर मुझे पूछेंगे तो 43 ईयर से मैं यीशु मसीह की राह पर चल रहा हूँ। अगर मुझे पूछें कि यीशु मसीह का सबसे बड़ा, सबसे पहला, सबसे अहम रखने वाला पैगाम या संदेश क्या है, अगर मुझे पूछेंगे तो मैं बताऊंगा उनका संदेश सिर्फ ना है, बदलो 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 और मैं बदलने के लिए मदद करूंगा। रिपेंट रिपेंट रिपेंट, अपने जिंदगी को बदलने से हमारी जिंदगी बदल जाएगी। और यीशु मसीह कह रहे हैं आओ और मेरा जुआ अपने कंधों पर ले लो और आपकी रूहों को सलामती मिलेगी। और कह रहे हैं मुझसे सीखो और उनसे सीखना शुरू कर देंगे। मसीह यीशु के बातें, मसीह यीशु के सच्चाइयां जब हम सीखना शुरू हो जाएंगे, उनकी शांति समाधान हमारी जिंदगी में प्यारों बहना शुरू हो जाएगी। और एक बार उस वचन को आपके सामने दोहराने के लिए जा रहा हूँ जो मत्ती सुसमाचार 11:28-29 में है। ऐ मेहनत उठाने वालों, बहुत से दबे हुए लोगों, तुम तमाम मेरे पास आओ, मैं तुम्हें आराम दूंगा। मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो और मुझसे सीखो, मतलब यीशु मसीह के वैल्यूज, यीशु मसीह का पैगाम, यीशु मसीह के बातें, यीशु मसीह के विचार, यीशु मसीह के ख्यालात, यीशु मसीह के वैल्यूज अगर हमारी जिंदगी में आ जाएंगे, हमारे आदत अखलाक बदल जाएंगे। जब आदत अखलाक बदल जाएंगे, शांति सलामती खुद ब खुद प्यारों हमारी जिंदगी में आना शुरू हो जाएगी। क्योंकि मैं कुलीन हूँ और दिल का परोतन हूँ, मतलब मैं नरम दिल वाला हूँ और आपकी रूहों को शांति मिलेगी, समाधान मिलेगी। और एक बात मैं बताना चाहता हूँ कि यीशु मसीह की पैदाइश के बारे में ये बताया जा रहा है, द बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट इज अ सेलेस्टियल अनाउंसमेंट। बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट इज अ सेलेस्टियल अनाउंसमेंट। बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट इज अ हिस्टोरिकल ट्रूथ। बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट इज अ प्रोफेटिकल फुलफिलमेंट। बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट इज अ ग्लोबल अनाउंसमेंट, पूरी दुनिया के लिए अनाउंस किया जा रहा है। और उसके बाद चौथी बार, बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट इज ए सेलेस्टियल अनाउंसमेंट, आसमान से एक आवाज आ रही है। वो बात बताकर मेरे वचनों को मैं खत्म करने के लिए जा रहा हूँ। 13वें वचन में, लुक्स समाचार 2 अध्याय के 13वें वचन में प्यारो हम ऐसे पढ़ते हैं, यकायक अचानक एक फरिश्ते के साथ आसमानी लश्कर की एक डॉक्टरू खुदा की हमद करते हुए कहते हुए जाहिर हुई, आलमे बाला पर खुदा की तमजीद हो और जमीन पर आदमियों में जिनसे वो राजी है सलाह शांति हो। इसका मतलब हिंदी में यह है, स्वर्ग में परमेश्वर की महिमा होवे, भूमि पर, जमीन पर, दुनिया में रहने वाले लोगों को शांति मिलेगी। इसका मतलब सिर्फ इतना ही है, जब हम परमेश्वर को महिमा देने वाले हो जाते हैं, जब हम परमेश्वर की इज्जत करने वाले हो जाते हैं, तो शांति समाधान हमारे जिंदगी में आ जाती है। बाइबल 4 किस्म की शांति के बारे में बताती है। नंबर 1, वी नीड टू हैव पीस विद गॉड। पहली बार उस शांति के बारे में बाइबल हमें बताती है जो हमें परमेश्वर के साथ करना है। इंसान गुनहगार होने की वजह से, इंसान पापी होने की वजह से, इंसान गंदगी में डूबने की वजह से परमेश्वर और खुदा के साथ जो रिश्ता था वो रिश्ता टूट गया। और टूटे हुए रिश्ते को बनाने के लिए परमेश्वर खुद एक इंसान बनकर आया, ताकि टूटा हुआ रिश्ता जुड़ जाए। इसलिए सबसे पहले शांति के बारे में अगर बाइबल बताती है, ऐ मेरे बेटे मेरी बेटी, परमेश्वर मैं तेरा परमेश्वर हूँ, तेरा रिश्ता या वो सलामती की राह मेरे साथ तू कर, यू क्रिएट ए पीस विद मी। परमेश्वर के साथ हमें सलामती करना है, दैट इज नंबर 1 पीस द बाइबल इज स्पीकिंग, वी नीड टू हैव ए पीस विद गॉड। नंबर 2, वी नीड टू हैव पीस विद मैन। आदमियों के साथ दुनिया में हमारे अड़ोस पड़ोस में आजू बाजू रहने वाले लोगों के साथ हमारा
रिश्ता और अच्छा रिश्ता कायम करना है। और तीसरी सलामती के बारे में बाइबल बताती है, पीस ऑफ माइंड, हमारे मनों और दिलों में शांति के बारे में बाइबल बताती है। और चौथी जो है पीस ऑन अर्थ, पीस विद गॉड, परमेश्वर के साथ शांति होवे, पीस विद मैन, मनुष्य के साथ शांति होवे, पीस विद इन योरसेल्फ, अपने आप में शांति होवे, और आखिरी बात जो है पीस ऑन अर्थ, जमीन पर शांति हो जाए। एक युग के बारे में, एक डिस्पेंसेशन के बारे में बाइबल में बताती है कि देयर विल बी ए टाइम वेयर देयर विल बी अ पीस। जंग और जिहाद के लिए इस्तेमाल करने वाले हथियार जो है काश्तकारी के लिए, इरिगेशन के लिए हथियार वो इस्तेमाल करेंगे, कहते हुए बाइबल ये बताने की कोशिश कर रही है कि एक जमाना ऐसे आएगा जहाँ शांति और समाधान, अमन और इत्मीनान हर जगह रहेगा। उस जमाने के बारे में बाइबल के मुताबिक उसको मसीहानिक युग कहते हैं, जहाँ शेर बपर घास खाएगा, छोटा बच्चा आप सांपों के साथ खेलेगा। ये बातें बताते हुए मेरे उस वचन को मैं खत्म करने की कोशिश कर रहा हूँ। चार बातें मैं बताने की प्यारो आज आपको कोशिश कर रहा था। पहली बात, द बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट इज हिस्टोरिकल फैक्ट, यीशु मसीह की पैदाइश एक तारीखी ऐतिहासिक घटना है। द बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट इज अ प्रोफेटिकल फुलफिलमेंट, द बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट is a global goodness, good news to everybody. That's why he is calling. The birth of Jesus Christ is a celestial announcement, announcement which is coming from heaven, peace on earth. Zameen par samadhan, itminan usi waqt hoga jab main aur aap ek acha rishta Parmeshwar ke saath banayenge, ek acha rishta dusron ke saath banayenge, ek acha rishta apne aap ke saath banayenge. Is tarike se main aur aap zindagi is duniya mein guzarne wale ho jayenge, to main batana chahta hu is duniya mein aman aur itminan barish ke jaise hamari zindagi mein Parmeshwar barsana shuru ho jayega. Mere vachan ko khatam karne se pehle एक प्रार्थना छोटी सी करके मेरे वचन को खत्म करने के लिए जा रहा हूँ। बैठे हुए तमाम लोगों से मैं विनती करता हूँ, दरख्वास्त करता हूँ कि मेहरबानी करके अपने पैरों पर खड़े हो जाइएगा, मैं आपके लिए प्रार्थना करके इस वचन को खत्म करने के लिए जा रहा हूँ। अगर आप बीमार हैं, लड़खड़ा रहे हैं, परेशान हैं, दुख दर्द है, पाप में जिंदगी गुजार रहे हैं, गंदगी से निकलने के लिए मुश्किल हो रहा है, तो आज मैं दुआ करूंगा कि परमेश्वर की शक्ति सलामती के साथ आपके जिंदगी में आ जाएगी और परमेश्वर आपकी जिंदगी को बदल देगा। आइए हम आंखें बंद करेंगे, आइए हमारे सर को झुकाएंगे, आइए परमेश्वर से प्रार्थना करें, परमेश्वर मेरी जिंदगी में तू बदल दे। ये बदलने की प्रार्थना करेंगे तो हमारी जिंदगी को बदलने वाला हमारी जिंदगी में यीशु मसीह आकर हमारी जिंदगी को सुधारेगा, संवारेगा और हमारी जिंदगी बदल जाएगी। पिता परमेश्वर, इस पवित्र समय के लिए हम तेरा धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं तमाम तेरे बच्चों के लिए जो दूर और नजदीक से तेरी आवाज को सुन रहे हैं। वो कहाँ है, क्या है, कैसे जिंदगी बिता रहे हैं हमें मालूम, लेकिन प्रार्थना करते हैं प्रभु जी तेरी शांति, सलामती, अमन और इत्मीनान तेरे बच्चों की जिंदगी में तू दे। 2000 साल पहले जैसे पैदाइश आपके बैतलहम के छोटे से गाँव में हुई, उसी तरह तेरी आवाज को सुनने वाले एक एक दिलों में मैं दुआ और प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर, वो उनके दिलों में हो जा, उनके जिंदगी को बदल, उनको आशीष, उनके जिंदगी, उनके घर में रहने वालों को आशीष। 2023 में जब हम दाखिल होने के लिए चंद ही हफ्तों के बाद हो रहे हैं, तो प्रार्थना करते हैं प्रभु जी तेरी शक्ति और सलामती हम तमाम पर उठेल दी। प्रार्थना प्रभु जी आपने सुनी, इसके लिए मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ। यीशु मसीह के नाम से हमारी ये प्रार्थना सुन और कबूल कर ले पिताजी। प्लीज बैठ जाइएगा। थैंक यू वेरी मच। तमाम जिम्मेदार व्यक्तियों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हुए मैं आपसे रुख्सत लेना चाहता हूँ। परमेश्वर हम तमाम को आशीष दे। थैंक यू वेरी मच। गॉड ब्लेस यू।